भवानीगढ़ के पास बैंक की कैश वैन के ऊपर मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने फायरिंग कर की 5 लाख की लूट। वैन के सिक्योरिटी गार्ड के पैर में लगी गोली, हालत को नाजुक देखते हुए पटियाला किया गया रेफर। मोटरसाइकिल सवार, एक पगड़ी वाला और एक हेलमेट पहने लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। संगरूर में कुछ महीने पहले ऐसे ही दो लोगों ने बैंक की कैश वैन के ऊपर हमला कर 2 लाख की लूट की थी। संगरूर में लूट की वारदातों की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आज संगरूर से पटियाला की ओर जा रही बैंक की कैश वैन का कुछ लुटेरे मोटरसाइकिल पर पीछा कर रहे थे, जिन्होंने अचानक ही गांव घावदा के पास जाकर वैन के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते बैंक कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगने के बाद बैंक कैश वैन के पड़ा काले रंग का 5 लाख से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए। वैन के सिक्योरिटी गार्ड को सिर में गोली लगने के चलते पटियाला रेफर कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। भवानीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद टीवी न्यूज। ਮੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। एक कैश वैन जा रही थी और दो मोटरसाइकिल सवार आए और कुछ गोलियां चलाई और कैश को वो लूट के ले गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है अपनी और उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे। सर, कैश कितना बता रहे हैं? करीब 4-5 लाख के आसपास बता रहे हैं। अभी एग्जैक्ट इनको पता नहीं है, वो देख के बताएंगे। सर, कहाँ से कहाँ जा रही थी ये वैन कैश की? ये संगरूर से भवानीगढ़ जा रही थी। कौन से बैंक की है सर ये? बैंक का एक्सिस बैंक। टोटल कितना कैश था? टोटल कैश कितना था? अभी वो एग्जैक्ट पता नहीं है, करीब 4-5 लाख के आसपास बता रहे हैं। हो सकता है 3 हो, सकता है 6 हो। सर, पुलिस ने क्या इंतजाम, नाकाबंदी कहाँ कहाँ की? सारे शहर में नाकाबंदी करा दी गई है जी। आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी टाई अप कर लिया गया और वर्कआउट कर रहे हैं जी। सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ चेक किया जा रहा है और उम्मीद है जल्दी पकड़ लें। जो घायल हुआ है जी? घायल उसको सिविल हॉस्पिटल। सर, वैन में कितने बंदे थे जो कैश लेके आए? वैन में 5 लोग थे। बाकी ठीक है सर? हाँ जी, बाकी ठीक है।